अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लिंक्स ऑफ पीडीएफ फाइल्स यूज्ड इन दिस वीडियो आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। टुडे वी शैल स्टडी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इन दिस पर्टिकुलर टाइप वी विल मेनली फोकस ऑन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक एंथ्रोपोलॉजिकल पज़ल है जिसको हमने सॉल्व करना है। सो अगर आप यहाँ पर देखें कि ये एक टूथ है जो कि नॉर्वे के रीजन से जो है वो लिया है। नॉर्वे लाइज इन द स्कैंडिनेवियन रीजन और आपको पता है कि ये जो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की कंसंट्रेशन है ये सबसे ज़्यादा इस अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है इन नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। वेयर एज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक मॉडर्न जो है वो टूथ की प्रोफाइल है विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द क्रोकाओ विच इज़ इन पोलैंड। तो हमने यहाँ पर ये दो टूथ जो हैं वो लिए हैं, टूथ सैंपल लिए हैं, ह्यूमन टूथ सैंपल्स। तो उनकी हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से जो है वो उनमें एटॉमिक कंटेंट्स देखे, एलिमेंट्स देखे उनमें के कौन कौन से एलिमेंट्स थे। सो अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो यस, इफ़ यू सी हेयर कि बहुत सारी जो पीक्स आई हैं यहाँ पर वो आई हैं लेंथेनाइड्स की और एक्टिनाइड्स के। यहाँ पर ये जो है वो एलिमेंटल प्रोफाइल आपको नज़र आ रही है। वेयर एज जो मॉडर्न टूथ है उसमें यहाँ पर कुछ नहीं है। द रीज़न इज़ दैट कि हो सकता है कि बिकॉज इन द प्रीवियस इरा लोग जो थे वो मट्टी के बर्तन में खाते पीते थे, तो वो जो मट्टी का सैम्पल था या वो पोएटर जो थी यूज़ होती थी तो उसके जो थे वो यूटेंसल्स बनते थे। तो उस वजह से जो है वो फिर वहाँ से या फूड के ज़रिए ईट करने से जो है वो ये एलिमेंट्स टूथ के अंदर जो है वो प्रेजेंट थे। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें टिन जो है वो भी यहाँ पर कंसंट्रेशन उसकी है, लेकिन जो मॉडर्न टूथ है उसमें वो टिन नहीं है क्योंकि प्रीवियसली यूटेंसल्स जो थे उनमें टिन यूज़ होता था, लेकिन आजकल जो है वो टिन यूज़ नहीं होता। मोस्टली आजकल जो है वो रीयूजेबल प्लास्टिक और समथिंग लाइक दैट। इसी तरह अगर आप देखें गोल्ड की भी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेड की भी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो इस तरह हमने ये एलिमेंटल प्रोफाइल जो है वो ओल्ड 1800 AD और जो प्रेजेंट डे टूथ है उसकी हमने जो है वो प्रोफाइल देखी है। तो आपको पता लगा होगा कि कितना डिफरेंस है। सो इन दिस वे हम हर फील्ड में ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ये सॉल्यूशन देती है और ये एक लॉजिक से रीजनिंग देती है। सो दिस वाज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के रियल वर्ल्ड में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये डिफरेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट ऑब्जर्वेबल चीज़ है वो यहाँ पर ये फ्लेम है। तो जहाँ भी आपको फ्लेम नज़र आ जाए इसका मतलब है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है वो एटॉमिक होगी। देखें ये जो फ्लेम है ये यूज़ होगा हीटिंग के लिए, ये सैंपल को मॉलिक्यूल से कन्वर्ट करेगा इन दी फॉर्म ऑफ एटम्स। अब ये जस्ट यहाँ पर फ्लेम शो किया गया है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक आर्क भी हो सकती है। यहाँ पर एक्सट्रीम केस में अगर चले जाएं तो वो हम प्लाज्मा भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज लोअर एक्सट्रीम में चले जाएँ तो एक फ्लेम जो कि गैस का फ्लेम होता है वो भी यूज़ हो सकता है। सो यहाँ पर ये फ्लेम है, तो जब भी फ्लेम आपको नज़र आए इट मींस के वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये आगे तीन टाइप्स की है। एक है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक है एटॉमिक फ्लोरिसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये भी आगे दो तीन टाइप्स की है। इसमें सबसे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है फ्लेम फोटोमीटरी, या जिसको हम फ्लेम फोटोमीटर कहते हैं, तो वो एक एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है। एक जो इसकी टाइप है उसको हम आर्क स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो यूज़ करते हैं, उससे और ज़्यादा बेटर एटोमाइजेशन हो जाती है, वो एक दूसरी टाइप है। और एक थर्ड टाइप है जो कि हमने अभी स्टडी करनी है, जिसमें हम यहाँ पर प्लाज्मा यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज ICP इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये टाइप्स हैं मेनली AES की एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। एक दूसरी जो मेजर टाइप है वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मेजरली आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे।
तो इसमें भी फ्लेम यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट का सोर्स है वो एक स्पेशल जो है वो सोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड एज हॉलो कैथोड लैम्प। ये क्यों यूज़ होता है इसको भी हम जो है वो नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लेम है वो यहाँ पर लाइट का सोर्स भी जो है वो रोल प्ले कर रहा है और वो इसको एटोमाइज करने के लिए भी यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में जो फ्लेम है वो जस्ट सैंपल को एटम्स में कन्वर्ट कर रहा है, बल्कि वेयर एज जो यहाँ पर लाइट का सोर्स है वो ये हॉलो कैथोड लैम्प है। सो ये एक एडिशनल चीज़ है, इसको हम स्टडी करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और नंबर थर्ड है एटॉमिक फ्लोरिसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखें, हमने प्रीवियसली फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस पढ़ी थी, वो थी मॉलिक्यूलर। तो ये फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस जो है ये एटॉमिक सैंपल में भी हो सकती है, अनलेस के आप उस मॉलिक्यूल को एटम्स में कन्वर्ट करें। तो ये देखें, हमने फ्लेम के ज़रिए सैंपल को एटम्स में कन्वर्ट कर लिया और बाद में हमने उसको वही फ्लोरिसेंस को जो है वो टिपिकली हमने उसको मेजर किया है। अगर आप इन अरेंजमेंट्स में देखें और इसमें देखें तो यहाँ पर भी फ़र्क है कि जो हमने डिटेक्टर है उसको थोड़ा सा जो है वो जो लाइट सोर्स है उसकी प्लेन से जो है वो बाहर निकाला है, ताकि डिटेक्टर जो है सिर्फ फ्लोरिसेंस जो कि सैंपल ने किया वो लाइट जो है वो मेजर करे, जो इस लेज़र की एक्साइटेशन के लिए जो कि यूज़ हो रही है उसकी लाइट को जो है वो एनालाइज ना करे। सो इस तरह ये मेजर तीन टाइप्स हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो इनमें से हमने फ्लेम फोटोमीटर को जो है वो टच कर लिया हुआ है, इसका जो दूसरा मेजर पार्ट है ICP उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो करंटली जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल डायग्राम ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें देखें जो सबसे जो स्पेशल चीज़ है वो यहाँ पर ये लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स को हम कहते हैं हॉलो कैथोड लैम्प, हॉलो कैथोड लैम्प, और इसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में HCL कहते हैं। इसमें कैथोड होता है और एनोड होता है, लेकिन जो कैथोड होता है वो हॉलो इन नेचर होता है, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज हॉलो कैथोड लैम्प। तो ये है एक स्पेशल लाइट का सोर्स। उसके बाद यहाँ पर ये हम एक फ्लेम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। दिस फ्लेम इज़ नॉट टिपिकल लाइक एक कैंडल की तरह का फ्लेम नहीं है, बल्कि ये एक जो है वो डायगोनली विड्थ में फ्लेम है। इसको हम कहते हैं स्लॉट बर्नर फ्लेम, कि हमने यहाँ पर ये एक स्लॉट जो है वो इस फ्लेम की बनाई है। इस स्लॉट बनाने का मकसद ये है कि अब जितने भी एटम्स हैं वो इसकी सरफेस से जो है वो ऊपर जाएंगे, एक्साइट होंगे, तो लाइट जो है वो हॉलो कैथोड लैम्प से जितना इस फ्लेम का एरिया ज़्यादा होगा उतने ही वो एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जो है वो जाएंगे और उतना ही जो सिग्नल है वो मेजरेबल इजी हो जाएगा। तो अगर हम इतनी एरिया में ये फ्लेम रखते तो बहुत कम एटम्स जो थे वो इंट्रैक्ट करने थे इस हॉलो कैथोड लैम्प की लाइट के साथ। तो इसका हमने एरिया यहाँ पर जो है ये बढ़ाया है और इसीलिए हम इस फ्लेम को इस शेप में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्लॉट बर्नर फ्लेम। और उसके बाद वही टिपिकल मोनोक्रोमेटर है, डिटेक्टर है, एम्पलीफायर है एंड रीड आउट डिवाइस है। तो बाकी कोई मेजर ऐसी चेंज नहीं है, जो दो मेन चीज़ें हैं उसमें एक ये स्पेशल टाइप ऑफ लाइट सोर्स है विच इज़ कॉल्ड एज हॉलो कैथोड लैम्प, और दूसरा जो है वो ये स्लॉट बर्नर फ्लेम है। तो यहाँ पर ये इनटेक दिखाई गई है कि फ्यूल और एयर जो है वो यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से नीचे से जो है वो सैंपल सक होगा जिसका हमने एनालिसिस करना है। सो हेयर यू सी द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉलो कैथोड लैम्प। तो इसमें देखें कि ये एक पूरा जो है वो लैम्प की शेप है और ये लैम्प जो है वो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये एक हॉलो सिलेंडर है और इसी को ही हम कहते हैं कि दिस इज़ के अंदर इसकी जो सरफेस है वो हॉलो है, वेयर एज आउटर सरफेस जो है ये उस मटेरियल की बनी होगी जिसका हमने एनालिसिस करना है। तो क्योंकि इसकी इंटरनल ये जो अंदर सरफेस है ये हॉलो है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज हॉलो कैथोड लैम्प। तो ये अगर आप देखें कि ये जो ये इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच है, सो इसलिए इसको हम कैथोड कहेंगे। वेयर एज ये जो सरफेस है अगर आप देखें, ये जो रिंग शेप है इसको हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड एज एनोड। और ये इंसुलेटिंग एक डिस्क है, कि इसका फंक्शन ये है कि इसने कैथोड को और एनोड को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो है वो मेंटेन रखना है। यहाँ पर ये एक क्वार्ट्ज और ग्लास विंडो है स्पेशली,
कि यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो निकलेगी, वो इस जगह से पास होगी और इससे जो है वो फिर आगे ट्रांसफ़र होगी। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये पी नॉट इंटेंसिटी निकलेगी, यहाँ पर फ्लेम जो है वो सैंपल्स को एटम्स में कन्वर्ट करेगा, इन एटम्स को फिर एक्साइट जो है ये एक हॉलो कैथोड लैम्प से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी वो इनको एक्साइट करेगी। एक्साइटेशन करने के बाद बाकी रिमेनिंग लाइट जो है वो जब हम यहाँ पर मैयर करेंगे, सो दैट दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, के सैंपल जो है वो एटम्स में गया है, अब एटम्स ने कितने एक्साइटेड स्टेट में गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन और उनकी नेचर क्या है। तो इस तरह यहाँ पर हम जस्ट पी मैयर करते हैं कि बाकी रिमेनिंग लाइट जो है वो कितनी पहुँची है, तो पी नॉट माइनस पी से जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी एब्जॉर्प्शन जो है वो लाइट की हुई है। तो हम अल्टीमेटली मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो मेजर करते हैं कि लाइट कितनी उस सैंपल में एनालाइट ने जो है वो एब्जॉर्ब की है। सो इसका जो प्रिंसिपल ये है कि इसके अंदर जो है वो हमने एक इनर्ट गैस जो है वो फिल की होती है एट अ लो प्रेशर, तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच करते हैं तो इसमें डिस्चार्जिंग होगी, इसमें वो जो गैस है उसके जो है वो आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो जो पॉजिटिव आयंस हैं दे विल बी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स द कैथोड और ये कैथोड की सरफेस के साथ जो है वो जाकर स्ट्राइक करेंगे। जब वो स्ट्राइक करेंगे तो ये जो इसकी वॉल बनी हुई है ये उस एलिमेंट की होगी जिसका हमने एनालिसिस करना है, तो उसकी वॉल से जब वो स्ट्राइकिंग होगी तो जो एटम्स हैं वो एमिट होंगे और दे विल बी गोइंग इनटू द एक्साइटेड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट से जो है वो डी एक्साइटेड स्टेट में आएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पटरिंग। स्पटरिंग इज़ एक्चुअली ये है कि एटॉमिक एक वेपर सा जो है वो बन जाता है जब ये केटाइंस जो हैं जो कि पॉजिटिव फॉर्म में हैं दे विल मूव विद सम स्पीड और ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो सरफेस पे ऊपर एलिमेंट्स हैं इनको जो है इनका एक वेपर सा बनेगा और इस वेपर में एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन जो है वो होगी। जब एक्साइटेशन के बाद डी एक्साइटेशन होगी तो वो जो एनर्जी है वो एमिट होगी और वही जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक नेचर है जो हमें चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि हमने उसी मटेरियल का ये कैथोड क्यों बनाना है जिसका एनालिसिस करना है। देखें फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर आयरन जो है उसको एनालिसिस करना है। अब अगर आप देखें कि ये आयरन का जो है एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो इसमें अगर आप देखें कि ये एक पर्टिकुलर जो है वो गैप है जिसमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया है। अब अगर आप इस एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देंगे तो तब भी एक्साइटेशन नहीं होगी और अगर कम देंगे तो तब भी नहीं होगी। एग्जैक्टली इतनी एनर्जी आप देंगे तो फिर ही जो है वो ट्रांजिशन होगी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करते हैं कि हमने अगर ये सैंपल ये लिया है तो हम सोर्स भी यही लेंगे आयरन ही। अब उसमें क्या होगा कि जब ये हैलोजन जो आयंस हैं जब ये स्ट्राइक करेंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड से डी एक्साइटेड स्टेट में भी आएगा। जब डी एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगी ये एग्जैक्टली उतनी होगी विच विल बी रिक्वायर्ड टू एक्साइट आवर सैंपल। तो इस तरह हमें कोई मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली उतनी ही एनर्जी इस हॉलो कैथोड लैम्प से जो है वो यूज़ कर रहे हैं जितनी हमें सैंपल को एक्साइट करने के लिए चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हॉलो कैथोड लैम्प और हम इसमें एलिमेंट जो है वो यूज़ करेंगे जो कि हमारा सैंपल है। अब इसमें ये है फॉर एग्जांपल अगर आपने आयरन की एस्टिमेशन करनी है तो आपको आयरन का कैथोड चाहिए, अगर आपने मैग्नीशियम की एस्टिमेशन करनी है तो मैग्नीशियम का चाहिए। तो इस तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की हमने अगर एनालिसिस करना है तो हमने हर एक के लिए फिर एक डिफरेंट लैम्प चाहिए। तो यस, जब भी हम फिर किसी भी डिफरेंट एलिमेंट को एनालिसिस करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें लैंप यहाँ पर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इस टेक्निक का विच मेक्स दिस प्रोसेस लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन आजकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें ये जो है वो सेटिंग आ गई है कि जो हॉलो कैथोड में जो कैथोड का जो मटेरियल है वो मोर देन वन एलिमेंट होता है, तो एक ही लैंप से जो है वो फिर हम कई चार पांच एलिमेंट्स जो है वो उनका एनालिसिस कर देते हैं। सो दिस वाज द बेसिक डायग्राम आउटलाइन ऑफ द हॉलो कैथोड लैंप
और साथ ही आपको ये पता भी लग गया होगा कि वाई वी आर यूजिंग इट और इसका फंक्शन क्या है और ये ज़रूरी क्यों है कि हम सिर्फ हॉलो कैथोड लैम्प ही एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में यूज़ करते हैं। दिस इज़ द पर्टिकुलर फ्लेम दैट हैज़ बीन यूज्ड इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये स्लॉट बर्नर फ्लेम तो है लेकिन ये प्री मिक्स टाइप है। प्री मिक्स का मतलब ये है कि हमने फ्लेम में तीन चीज़ें जो है वो मिक्स करनी है, नंबर वन पर फ्यूल, नंबर टू पर ऑक्सीडेंट एंड नंबर थ्री पर जो अब हमारा सैम्पल है जो कि इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड है। तो इस पर्टिकुलर स्लॉट बर्नर फ्लेम में, स्लॉट हम क्यों कहते हैं क्योंकि ये अगर आप देखें इसका ये साइड व्यू है तो ये एक स्लॉट है। स्लॉट क्यों है ये मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया है। तो हमने इस तक जो है ये तीन जो चीज़ें हैं वो पहुंचानी है, फ्यूल है, ऑक्सीडेंट है और ये सैंपल है। तो ये हम डायरेक्टली जो है इन तीनों की ओपनिंग्स जो हैं वो डायरेक्टली एट द बेस ऑफ दिस फ्लेम भी कर सकते हैं और दूसरी ऑप्शन जो है वो ये है कि हम इन तीन चीज़ों को पहले यहाँ पर मिक्स भी कर सकते हैं ताकि यहाँ पर फ्लेम के अंदर ये मिक्स होकर ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्न हो और एफिशिएंटली जो है यहाँ पर एटम्स जो हैं वो बने। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें कि ये फ्यूल की यहाँ पर लाइन जा रही है, ये यहाँ पर ऑक्सीडेंट की लाइन जा रही है। ये ऑक्सीडेंट जो है वो ख़ास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है या सिंपली एयर भी हो सकती है। वेयर एज़ दिस फ्यूल इज़ आल्सो, इसकी भी जो है वो काफ़ी सारी टाइप्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और यहाँ से ये सैम्पल जो है वो सक हो रहा है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो सैम्पल के ऊपर से जो है ये ऑक्सीडेंट रन कर रहा है, तो ऑक्सीडेंट की इस फास्ट मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो बन रहा है और उसकी वजह से सैम्पल जो है वो डायरेक्टली सक हो रहा है। ये तीनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर इस ग्लास बीड के साथ जो है वो स्ट्राइक करती हैं। उससे होगा क्या कि ये जो बड़े बड़े इनके ड्रॉपलेट्स हैं दीज विल बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नेबुलाइजेशन, कि हमने जो बिगर लार्जर पार्टिकल्स और या ये जो ये इसके फ्यूल ऑक्सीडेंट सैंपल के पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है और बाय स्ट्राइकिंग विद दिस ग्लास बीड। इसके बाद ये बैफल्स हैं, बैफल्स जो हैं ये सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे तो एनी रिमेनिंग कोई बड़ा जो ग्लास पार्टिकल है उसको भी ये जो है वो ब्लॉक कर देगा और फ्लेम के अंदर जो है वो बड़ी थिन एरोसोल जो है वो जाएगी। एरोसोल जो है उसमें फिर बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और इस एरोसोल का बनना बहुत ज़रूरी है। जितना एरोसोल जो है वो उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उतना ही ये फ्लेम में जो है वो सारी चीज़ें एफिशिएंटली बर्न करेंगे और उतनी एफिशिएंसी से ही यहाँ पर एटम्स जो हैं वो बनेंगे। तो अगर आप इस फ्लेम की ये वाली साइड देखें तो इसको जो है वो हमने यहाँ पर ये साइड व्यू जो है वो देखा गया है यहाँ पर। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर ये अंदर एक ये जो है वो ब्लू कोन रीजन है, उसके बाद ये एक आउटर रीजन है। ये जो ब्लू कोन रीजन है इसको हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं और जो आउटर साइड है इसको हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो इस जगह पर होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की जगह और इन दोनों के दरमियान वाली जो रीजन है उसको हम कहते हैं इंटरकोनल रीजन। वेयर एज दिस इज़ द बर्नर हेड जो कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो जैसे ही ये सैंपल जो है वो ये सक होगा और फ्लेम के अंदर जाएगा तो पहले वो प्री बर्न जो है वो इस ब्लू कोन रीजन में होगा और उसके बाद फर्दर जो है वो फिर इसकी एटमाइजेशन जो है वो इस आउटर कोन रीजन में जो है वो होगी। आउटर कोन रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो इसलिए ज़्यादा होता है कि साइडों से जो एयर सक हो रही होती है वो इसके टेम्परेचर को जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन इसके साथ होता ये है कि जो आपका सैंपल होता है वो ऑक्सीडाइज होने का भी उसमें जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर देखें कि हमने फ्यूल जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूल के यहाँ पर दो पर्पस हैं। एक तो पर्पस ये है कि उसने फ्लेम को जो है वो इग्नाइट करना है तो वो फ्यूल उसके लिए चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारा सैंपल है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एटॉमिक फॉर्म में ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सोडियम की एस्टीमेशन करनी है तो सोडियम को हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ NaCl, इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सोडियम जो है वो NaCl की फॉर्म में है। या आयरन अगर आप एस्टीमेट करें तो हो सकता है आयरन जो है वो आयरन क्लोराइड की फॉर्म में हो। तो यहाँ पर जो फ्यूल का सेकेंड जो फंक्शन है वो ये है कि इस ये वर्क करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी। देखें जो आयरन प्लस टू है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आयरन न्यूट्रल एटॉमिक फॉर्म में जो है उससे डिफरेंट होगा।
तो हम क्योंकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और AAS कर रहे हैं, तो इसमें ये लाजमी है कि जो सैंपल जो है वो फ्लेम में जो बर्न कर रहा हो, जो एटम्स जो हैं वो बने वो न्यूट्रल फॉर्म में हों। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर हम फ्यूल यूज़ करते हैं, वो वर्क करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी। दूसरा, हम यहाँ पर ऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सीडेंट का काम ये है कि इसके टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही एफिशिएंटली जो है यहाँ पर एटम्स बनेंगे और वो मॉलिक्यूल से डिसइंटीग्रेट होकर एटम्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे तो उससे फिर सेकंड जो प्रॉब्लम आएगी कि वही के जो हमारा सैंपल है वो भी फिर ऑक्सीडाइज हो सकता है। सो इसी तरह हमने कोई भी एफिशिएंटली करने के लिए ये फ्यूल और ऑक्सीडेंट की एक बड़ा जो है वो पेयर जो है वो आइडियल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम हीट एंड ट्रायल करते हैं, डिफरेंट फ्यूल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, फिर जहाँ पर जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है एटोमाइजेशन की, वो फिर हम उस कम्बिनेशन को जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें कि ये डिफरेंट कम्बिनेशन जो है वो यूज़ है, तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फ्यूल एसिटिलीन एंड एयर जो है वो यूज़ करते हैं और उसका ये टेम्परेचर है। अगर हमने कोई टेम्परेचर बढ़ाना है तो एयर के साथ हम नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो साइनोजन एंड ऑक्सीजन को यूज़ करके हम 4800 केल्विन तक भी जो है वो इस टेम्परेचर को लेके जा सकते हैं। सो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही यहाँ पर एफिशिएंटली से एटम्स बनेंगे, जितने एटम्स बनेंगे उतने ही एटम्स जो हैं वो यहाँ पर हॉलो कैथोड लैम्प से जो लाइट आ रही है उसके साथ स्ट्राइक करेंगे और वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। जितने ही वो ज़ाहिर है फिर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे उतनी ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और उतना ही हमें सिग्नल जो है वो सॉलिड मिलेगा, विच इज़ मेजरेबल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।